नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में आती हैं और जब नया साल आने को है और 2018 जाने को है तो अब तमाम तरह के गाने और एल्बम भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं इन दिनों सुपरस्टार्स के लाइफ में भी काफ़ी कुछ चल रहा है और हाल ही में कई सारे स्टार्स का बर्थडे वगैरह आया है और बहुत कुछ चलता रहता है इनके रील और रियल लाइफ में, और वो सारी जानकारी हम आपको इस खास प्रोग्राम टॉप न्यूज़ में देते हैं। और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरें तो देते ही हैं, लेकिन अगर बात की जाए बिहार और पूर्वांचल की तो बता दें आपको कि इन दिनों बिहार सरकार वहाँ के लोगों के जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं और स्कीम ला रही है। उन सब से जुड़ी खबरें यानी कि बिहार से और पूर्वांचल से जुड़ी खबरें भी हम आपको इस खास प्रोग्राम में बताते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों जहां भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहीं कई सारे गाने भी आ रहे हैं और वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो बिहार और झारखंड में और साथ ही साथ पूर्वांचल में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट बिना देर किए नज़र डालते हैं उन खास खबरों पर जो कि इन दिनों टॉप पर बनी हुई हैं और बिहार और पूर्वांचल से जुड़ी हैं और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई जोड़ी सबसे ज़्यादा हिट है तो वो है काजल खेसारी का गाना और हाल ही में उनकी पॉपुलर फिल्म मेहंदी लगा के रखना का गाना सरसों के सगिया अब तक 90 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है और हर कोई आज भी इस गाने को काफ़ी सराह रहा है। वहीं बता दें कि आने वाले साल 2019 में भी काजल खेसारी की तमाम फिल्में आने वाली हैं और इन दिनों दोनों अपनी आने वाली फिल्म कुली नंबर वन की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं बता दें कि हाल ही में खेसारी लाल यादव के कई एल्बम सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं और साथ ही इन दिनों खेसारी लाल यादव अपने और भी कई सामाजिक कामों को लेकर चर्चे में रहते हैं। लेकिन अगर बात करें उनके इस गाने सरसों के सगिया के, तो बता दें आपको कि जब ये फिल्म आई थी तब भी इस गाने को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था, तो वहीं इस फिल्म की कहानी भी लोगों के दिलों को छू गई थी। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में आ गए हैं। दरअसल उन्हें स्पॉट किया गया आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ, जहां उन्होंने मीडिया से तमाम वादे की। उनसे जब पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि आप पिता लालू यादव की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरे पिता हैं और अगर मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो इसमें क्या आपत्ति है। और साथ ही उन्होंने बताया कि वो पिता लालू यादव की कुर्सी पर नहीं बैठते और वहाँ रखी दूसरी कुर्सी पर वो बैठ जाते हैं। तो वहीं छोटा भाई तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूँ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं और हम दोनों भाइयों के बीच दरार लाने की कोशिश की जा रही है इन खबरों से। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि हम दोनों भाई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये देखना भी काफ़ी मज़ेदार होगा कि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों एक साथ कंधे मिलाकर चलते हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं और हाल ही में उनसे जुड़ी एक खास खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार तेज प्रताप 9 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने पहुंचने वाले हैं। जी हां, खबरों से पता चला है कि तेज प्रताप 9 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर पिता लालू यादव के लिए आंदोलन करने पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि हम वहीं जाकर पिता लालू यादव के लिए रिहाई की मांग करेंगे, जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। वहीं बता दें कि लालू यादव इन दिनों रिम्स अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और फिलहाल चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और तेज प्रताप यादव इस सज़ा को ख़त्म करवाने के लिए और लालू यादव की रिहाई करवाने के लिए 9 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं आंदोलन करने। अब ये देखना भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है कि क्या तेज प्रताप के आंदोलन करने से कोर्ट लालू यादव को जमानत देगी। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी में जहां कई एक्टर्स अपनी फिल्मों और एल्बम से लोगों को ढेर सारा मनोरंजन दे रहे हैं, तो हाल ही में भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की तरफ से आ रही है एक बड़ी खबर। बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि भोजपुरी के एक्टर्स में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली एक्ट्रेस में आम्रपाली टॉप नंबर पर हैं।
बता दें कि आम्रपाली दुबे ने जहां 2018 में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने का अपना रिकॉर्ड कायम किया है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि वो गूगल पर भोजपुरी एक्टर्स में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली एक्ट्रेस बन चुकी हैं। वहीं बता दें कि इन दिनों आम्रपाली अपने फिल्म गबरू की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि आपको 2019 में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों जहां भोजपुरी के सुपरस्टार नए साल की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं हाल ही में भोजपुरी की लुलिया गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस निधि झा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वो पिंक और ब्लैक लहंगा चोली पहने नजर आ रही हैं और साथ ही अपने इंस्टा पर इस फोटो से जुड़ी जानकारी देते हुए कैप्शन में लिखती हैं, वॉच अस बोथ एंटरटेनिंग यू ऑल ऑन बिग गंगा चैनल, ओ माई डियर हैप्पी न्यू ईयर, हैड अ गुड टाइम विथ विनय आनंद जी, थैंक यू फॉर ऑल दोज फनी जोक्स। जिससे ये तो साफ है कि निधि नए साल के मौके पर अपने फैंस के लिए टीवी पर कुछ खास प्रोग्राम लेकर आने वाली हैं। अब ये देखना भी काफ़ी मज़ेदार होगा कि निधि अपने फैंस के सामने क्या कुछ पेश करने वाली हैं। वहीं अगर बात करें उनकी फिल्मों की, तो बता दें आपको कि 2019 में उनकी तमाम फिल्में आने वाली हैं, जो कि फैंस को ढेर सारा मनोरंजन देंगी। और साथ ही साथ हाल ही में उन्होंने फिल्म दिलबर की शूटिंग पूरी की है, जिसमें उनके साथ अरविंद अकेला कल्लू और रितु सिंह नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी कई फिल्मों को लेकर काफी चर्चे में है, तो हाल ही में 2019 के लिए भी उनकी कई फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है। बता दें आपको कि 2019 में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 30 से भी ज़्यादा फिल्में लेकर 2019 में आ रहे हैं। बता दें आपको कि खबरों से पता चला है कि पवन सिंह तमाम तरह की फिल्में लेकर आने वाले हैं, जिनकी शूटिंग भी 2019 में होगी और इन्हें पेश भी 2019 में किया जाएगा। वहीं कुछ फिल्मों के नाम हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि हम आपको इस खास लिस्ट में बता रहे हैं। हालांकि 30 के 30 फिल्में तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चे में हैं और जल्द ही आने वाली हैं। तो बता दें आपको कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उनकी फिल्म राजा का, तो वहीं दूसरी फिल्म है शेर सिंह, तो वहीं कई फिल्में ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। बता दें कि मैंने उनको सजन चुन लिया, बॉस, शपथ, क्रैक फाइटर, सत्या, इश्क पर जोर नहीं, काली चरण, रॉक स्टार, भारत माता की जय, बबुआन की जान, विजय पथ, जब चले पवन तो रोके कवन, लव इन गोवा, वांटेड टू, जहरीला, मेरी जान है तू, जिद्दी आशिक, बंधुआ और ऐसी तमाम फिल्मों की लिस्ट सामने आई है। बता दें आपको, ऐसा कहा जा रहा है कि 30 से 32 फिल्में वो 2019 में लेकर आ रहे हैं और भोजपुरिया दर्शकों को ढेर सारा एंटरटेनमेंट देने वाले हैं। अब ये तो फिल्में रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी फिल्में उनकी 2019 में आई और कितनी उससे भी अगले साल आएंगी। लेकिन अब ये देखना भी काफ़ी मज़ेदार होगा कि इस 2019 में किस स्टार की फिल्में लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं और कौन सा स्टार ज़्यादा हिट होता है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। हाल ही में शाहरुख खान पटना के बापू सभागार पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर सभागार तक हर जगह लोगों की भीड़ भरी हुई थी। तो वहीं जब लोगों को शाहरुख का दीदार नहीं हुआ, तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोग हंगामा मचाने लगे और तोड़फोड़ भी करने लगे। ऐसे में पुलिस ने पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश की और भीड़ को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, तो पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, तब जाके लोग थोड़े शांत हुए। बता दें कि जैसे ही शाहरुख खान सभागार के बाहर आए, तो लोग उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए कोशिश करने लगे। तो वहीं शाहरुख ने हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन भी किया, लेकिन जब लोग शाहरुख का दीदार नहीं कर पाए, शाहरुख को देख नहीं पाए, तो उन्होंने हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठियाँ भाजनी पड़ी और कहीं ना कहीं पुलिस की हालत भी इस भीड़ के सामने थोड़ी सी पस्त होती नजर आई। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी अपने कई गानों और फिल्मों को लेकर चर्चे में बने रहते हैं, और हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक एल्बम लवर का ग्रीटिंग कार्ड आया है, यूट्यूब पर 43वें नंबर पर ट्रेंडिंग में है। वहीं बता दें कि इन दिनों खेसारी लाल यादव की कई फिल्में काफ़ी चर्चे में हैं। इन दिनों खेसारी काजल अपनी 2019 में आने वाली फिल्म गुली नंबर वन की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं 2019 में आने वाली उनकी कई फिल्मों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जो कि 15 के आसपास है।
वहीं बात करें इस एल्बम की तो बता दें कि इस एल्बम ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफ़ी तहलका मचाया था और साथ ही उनके कई एल्बम इन दिनों चर्चे में रहते हैं और उनकी फिल्में और गाने एल्बम आए दिन ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये थी वो कुछ खास खबरें जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं और साथ ही साथ टॉप पर बनी हुई हैं और साथ ही साथ इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में आ रही हैं। खेसारी लाल यादव ने उनकी संजय भूषण पटियाला की बहन को जन्मदिन विश किया है और साथ ही साथ कई सारे स्टार्स ने विश किया है। तो साथ ही साथ कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं बिहार में और पूर्वांचल में जिससे लोगों का जीवन और भी ज़्यादा सुविधाजनक और आसान हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगली बार मैं फिर से हाजिर होंगी आप सभी के सामने कुछ ऐसी ही खास खबरें लेकर।